अधूरा रह जाता है जैसे कोई आंसू बह जाता है बंधी मिकाइल अंकल बस दूर एक लव सॉन्ग ना कहना बाबा की मेरी बात पूरी नहीं हुई ये बात कभी पूरी होगी भी नहीं और आज के बाद मुझसे ये बात नहीं करना क्या कहा डॉक्टर ने कृष्णाला कभी मां नहीं बन सकती आपने जिस मकसद के लिए जैन को महागुल से अलग किया देख ले आपका वो मकसद पूरा नहीं हो सका थैंक्स महागुल ये अंगूठी पहनकर आपने मुझे जो खुशी दी है उसके लिए तो शायद थैंक्स भी छोटा वर्ड है खुदा मेरा भी है फंक्शन अच्छा हो गया वैसे है ना सिवाय कुछ बातों के अरे भाई उन लोगों की मजबूरी को समझो ना अब दोनों तरफ की रिश्तेदारी निभानी होती है ना मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ माँ फिर नूर की नूर को क्या हुआ वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो उसके लिए बहुत गलत है माँ मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसे कैसे गिरने से बचाऊं भाई सीधी सीधी बात किया करो ये मुझे तुम्हारी पहेलियां समझ में नहीं आती कौन सिखाई क्या कह रही हो माँ आपको नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा है वो सनिया को पसंद करने लगा है मुझे नजर आ रहा है ना नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी ऐसी बिला वजह मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मैं माँ हूं मुझे दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे रोकूं। Thank you.
मिकाइल आपने नूर से कोई बात की क्या? हाँ बात तो मैंने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाया है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। पर उसको समझाना पड़ेगा मिकाइल। माकुल, मैंने उसे बड़े तफसील से समझाया, लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा बात कर लेता हूं। नहीं, मैं कोई और हल तलाश करती हूं। मैं बस निकल ही रही थी तुम्हें लेने के लिए। मुझसे नहीं हुआ इसका वेट। क्या चक्कर है सन्या? आई थिंक आई लव हिम। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है? नूर ने कहा तुमसे? नहीं, उसने कुछ डायरेक्टली तो नहीं बोला। उसकी आंखें बोलती हैं आलिया, उसकी हर एक बात बोलती है। आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। वो तो ऑब्वियसली करूंगी। नूर के साथ थी जी? रोज मिलती हो? ऑलमोस्ट। दोस्तों या दोस्त से ज्यादा? शायद दोस्त से ज्यादा। चलो अच्छा है, प्यार हो जाने से पहले दोस्ती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं ना। क्या तुम्हें नूर के बारे में सब कुछ पता है? शायद यानी डाउट है। तो बेटा, जिसके बारे में आप सब कुछ नहीं जानते, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? नूर की जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई है, सुन सकोगी? नूर मेरा बेटा है, लेकिन वो बेटा था नहीं, बेटा बना है। पैदाइशी तौर पे मेडिकली ना नूर लड़का है और ना ही लड़की। आम लफ्जों में उनको क्या कहा जाता है ये तो तुम जानती होगी। मैं समझी नहीं आई, मतलब वो बीच का कोई? देखो सनिया, नूर के पास अकल है, जिस्म है, दिल है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है, लेकिन खुदा ने उसको ऐसा बनाया है। मैं माँ हूं ना, इसी उसको अपनाया है। बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफ दे बातें सुनी है, पर माँ थी ना, इसलिए साबित करना चाहती थी कि ऐसे बच्चे भी आगे जा सकते हैं। और जो रिश्ता तुम उससे बनाना चाहती हो वो मुमकिन नहीं है बेटा, अधूरी रह जाओगी। उसको माफ कर देना सनिया प्लीज। दिल है ना उसका, संभाल नहीं सका, समझा नहीं सका, लेकिन प्लीज प्लीज उसको माफ कर देना। उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सॉरी, रियली सॉरी, पर मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर किसी और की औलाद को इतना दुख नहीं दे सकती थी। प्लीज उसे माफ कर देना। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तुमने?
इतना झूठ। सनिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा धोखा। नहीं एक मिनट सनिया, तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम ना लड़की हो ना लड़का। ये बात तुम्हें किसने बताई? तुम्हारी मामा ने। तुम्हें एहसास भी अपनी रियलिटी का? मैं एक नॉर्मल लड़की हूं नूर, कैसे गुजारूंगी मैं जिंदगी तुम्हारे साथ? नहीं गुजार सकती ना, तो फिर क्यों किया मेरे साथ ये? क्यों दिखाया ऐसे ख्वाब? क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? या प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हद होती है यार किसी बात की, ये हकीकत जानते हुए भी तुम। और क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? कुछ कहने सुनने के लिए बचा है? काश तुमने मुझे सच पहले बता दिया होता तो शायद हम दोस्त रहते। बट आज तुमने अपना एक दोस्त भी खो दिया। मैं जा रही हूं, मेरे पीछे मत आना। सनिया प्लीज मेरी बात, मेरी बात सुन लो। सनिया मुझे ऐसा लगता है कि हमें नूर को आराम से समझाना चाहिए, बल्कि निकल साहब अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं मेरा ख्याल है अभी किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, उससे माहगुल को ही बात करनी चाहिए और वो भी तुम सबके जाने के बाद। किसी को किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सनिया को सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि हमें नूर को अभी भी थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हें एहसास भी अपनी रियलिटी का? मेरे ख्याल से मुझे अब नूर के पास जाना चाहिए। बबन मियां कहाँ है नूर? अपने कमरे में या छत में? नूर यहां है। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मेरी असलियत है, ये मेरी वही असलियत है जो आपने सनिया को बताई। मैं चुप, कुछ मत बोलिएगा, सच्चाई है उसको मान जाए। देखिए मेरी तरफ, मैं ऐसे ही था, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही होना चाहिए था मुझे। नूर,
क्या नूर? क्यों बताया आपने सनिया को मेरे बारे में? क्यों दिया आपने मुझे ऐसा धोखा? धोखा मैं नहीं, धोखा तुम अपने आप को दे रहे थे। जो चीज मुमकिन ही नहीं है वो तुम सोच भी कैसे सकते हो? होश करो नूर, होश करो। मुझे अब आया है, देखिए मेरी तरफ मामा। अगर मैं सही था तो आपने मुझे अच्छी तरह क्यों पाला? लगा के क्यों पाला आपने मुझे? मुझे नाचने गाने देती ना आप? मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती, मेरे सारे जज्बात पूरे हो जाते। किसी सिग्नल पे खड़ा होकर डांस कर लेता। अपनी बोली लगा, बकवास करते रोक दी। बस अंदर से बात बोली ना तो तुम्हारी सवाल खींचूंगी मैं। बस 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 कर दो खुदा। Come on, Noor. It's okay, Noor. Bas. Ruin me. नाश्ता करो बेटा। मुझे भूख नहीं है बाबा। अनिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। क्या ठीक हो जाएगा? आनी और मिकाइल अंकल की पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फेर दिया मैंने। मेरा भाई टूट गया। तुम्हारी वजह से नहीं टूटा बाबा। सनिया को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है शायद। ये वक्त तो खुदा लाया है ना, खुदा ही इस वक्त से निकालेगा। बस तुम हिम्मत करो। हिम्मत ही तो नहीं हो रही है। कैसे फेस करूंगी मैं नूर को और आनी को? आनिया स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर दो। अगर हम सब लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो नूर कैसे करेगा ये सब? आनी प्लीज बेटा प्लीज। अपने लिए नहीं तो नूर के लिए हिम्मत करो। अब नाश्ता करो चलो। बहुत बुरा हुआ ये तो अम्मी जी। माई बाजी कैसी हैं? कैसी होगी, सुबह से नूर को कलेजे से लगा कर बैठी है कमरे में। अरे छोड़ अम्मी जी, आप तो कुछ खा लें। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन तुम जाओ जाओ खाना खाओ। इस हाल में भूखा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जाओ मेरे बच्चा। हाय सोना, तूने देखा रात क्या क्या मत गुजरी इस घर पे। मेरी माँ ही और नूर तो हलकान हो गए उस कल मुई की वजह से। ये ले चाय। बपन मिया, वक्त तो नहीं है बात करने का, लेकिन आपसे कह के अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। सोना, क्या हुआ मेरे बच्चे, सब खैर तो है ना?
बात तो मैं करने आई थी अम्मी जी से, लेकिन यहाँ के हालात देख के मैं कुछ कह ही नहीं सकी। कल 4-5 लोग आए थे मेरे घर, धमकियाँ देके गए मुझे कि अगर मैंने सामाजिक काम बंद नहीं किया तो वो हमें मार देंगे। मार देंगे? या अल्लाह, हम किस अजाब में फंस गए, किसकी काली नजर लग गई हमको। लेकिन अभी अम्मी जी को कुछ नहीं बताना। सोना बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना और एक दो दिन में आके माई से बात करो। आप बस मुझे फोन पे यहाँ के हालात बता दिएगा, मैं मम्मी जी से आके खुद बात कर लूंगी। बच्चे तुम परेशान नहीं हो, ठीक? जो कुछ किया तुम्हें और जैन को इकट्ठा करने के लिए किया, जानती हो तुम? ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया। और अब मैं औलाद नहीं दे सकती तो मुझ पे भी? आपने सबका इस्तेमाल किया है, मेरा भी और अपनी औलाद का भी, कैसे करूं भरोसा आप पे? पता है ना, खुदा मेरा भी है। मेरी तरफ देखो नूर, मेरी आंखों में आंखें डालकर। मैंने कहा मेरी तरफ देखो नूर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? कल रात ही क्या घटिया हरकत की तुमने नूर? क्या था ये? नूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, शायद तुम्हें याद होगा उस दिन मैंने तुमसे घर पर सनिया के बारे में कुछ पूछा था। पूछा था ना नूर, याद है ना तुम्हें? मैंने उस दिन तुम्हें वॉर्न किया था नूर, प्यार से जिंदगी की हकीकत समझाने की कोशिश की ताकि तुम जिंदगी की ठोकरों से बच सको। लेकिन अफसोस, शायद तुमने मेरी बात सुनना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात थी तो फिर कैसी बात है नूर? एक बाप बनके मैंने तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखा, दुनिया की हर अच्छी बुरी बात तुम्हें समझाई। बेटे मुझे लगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब जिंदगी की हर मुश्किल का सामना तुम डट के कर सकते हो। मुझे कोई कैसे पसंद आ सकता है? मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही। तो मुझसे बात तो करते, आके मुझसे कुछ कहते तो। क्या मैं इतना गैर बन गया हूं नूर कि मेरे पास आना मुनासिब ही नहीं समझा? जिसने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, जब भी तुम्हें किसी भी तरह का दर्द हुआ हमेशा मरहम बनने की कोशिश की, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम मेरे पास आते, मुझसे बात करते? सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। पागल हो गया। सॉरी, मुझसे गलती। कश्माला, ये पी लो, मौलाना साहब ने बहुत दुआएं करके दिया है। क्या? मैंने पी दी कोई पानी वानी? पता नहीं क्या जादू टोना करके लाई है। मेरा दिमाग खराब है कि मैं ऐसी कोई बेहुदा हरकत करूंगी?
अब आप कर भी क्या सकती हैं? आप तो ये चाहती हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं। पहले मामा को शिकायत और अब ये जादू वाला पानी। तुम्हारा दिमाग आप पे से कुछ ज्यादा बाहर होता जा रहा है। मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ, जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारा हर बात पे साथ दिया और तुम मेरे बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रही हो। आपने मेरा नहीं अपना साथ दिया, मेरा तो इस्तेमाल किया है आपने। आपको नहीं परवाह मेरी मोहब्बत की, ना कभी थी। कश्माला, अब मेरा मुंह मत खुलवाना। तुमने जो जो चालाकियां जैन को पाने के लिए की वो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और वो चालाकियां जिनमें आपने मेरा साथ दिया था, भूल गई? आपने ही तो आइडियाज दिए थे कि जैन को कैसे मागुल से बदजन करूं। मैंने जो कुछ किया तुम्हें और जैन को इकट्ठा करने के लिए किया, जानती हो तुम ये? मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया। और अब मैं औलाद नहीं दे सकती तो मुझ पे भी? आपने सबका इस्तेमाल किया है, मेरा भी और अपनी औलाद का भी। कैसे करूं भरोसा आप पे, पता है ना? ठीक हो ना? दूर जी, बिल्कुल ठीक। बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे तुम्हें बहुत पहले समझा देनी चाहिए थी। मैं समझा ही नहीं पाई, मुझे माफ कर देना। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं शायद हिम्मत हार गया था। आपने तो मुझे बहुत बहादुर बनाया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं, अब हिम्मत नहीं हारूंगा।
आपने ही तो आइडियाज दिए थे कि जैन को कैसे मागुल से बदजन करूं। आप नहीं गई थी उसके घर उसके खुला के पेपर साइन करवाने के लिए? वालेकुम सलाम। ये रखिए मैं आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कृष्णाला अपना घर बचाना चाह रही है। ऐसी बदतमीजी मेरे घर में इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन भाभी मामा को कृष्णाला की नेचर का पहले से अंदाजा तो था रहा। ये तो होना था। होना तो था बेटा लेकिन ऐसे होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जैन बहुत टूट गया है। तुम्हारी माँ अलग परेशान है और कृष्णाला का तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो आप बात कीजिए ना जैन से। बात करने का वक्त गुजर गया बेटा। घर में बहुत खामोशी है। ये खामोशी क्या रंग लाएगी इससे डरता हूं। जाहिर जैन को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है बेटा। प्लीज उसके पास जाओ। जी भाभी जरूर। थैंक यू बेटा। क्यों आए हो? मैंने मना भी किया था। सनिया प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो। तुम सही थी मैं ही गलत था। फिर मैं क्या करूं यार मुझसे गलती हो गई और मैं माफी मांगता हूं तुमसे। और मैं ये बात जान गया कि मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे मेरा लेसन मिल गया। तुम्हें तो तुम्हारा लेसन मिल गया पर मेरी जिंदगी क्या क्या कैसे जीऊंगी मैं तुमने सोचा? जी लूंगी। सच कड़वा है मैं जानता मगर फिर भी जी लूंगी। अपने माँ बाप के बगैर तो जी रही हो ना फिर मैं क्या चीज हूं? सनिया ये दुनिया ऐसे ही चलती यहां पर किसी के आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2-4 दिन का रोना धोना होता है फिर सब ऐसे। और तुम तो बहुत अच्छी हो तुम्हें तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा। और हाँ तुम और रानिया बहुत पुराने दोस्त। मैं नहीं चाहूंगा मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती खराब। तुम उसके साथ हमेशा दोस्ती कायम रखना। ओके अगर जिंदगी में आगे कभी मुलाकात तो मैं तुमसे शर्मिंदा होके नहीं मिलना चाहता मुस्कुरा के मिलना चाहता। इसलिए I'm very sorry। हो सके तो मुझे माफ कर दे।
नूर, I'm sorry too. मेरी जिंदगी में अंधेरा ही रहने दें सन। कमरे की लाइट जलाने से अंदर का अंधेरा खत्म नहीं होता आरशी। आप क्यों आए हैं मेरे पास? बुरी होना हसन। आप बुरी नहीं है, बस हालात बुरे हैं। अभी भी वक्त है, आप अपने आप को संभालिए। जैन और कश्माला को अब सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं। रिश्ते बार बार बनने और टूटने नहीं चाहिए। मैं किसी को क्या संभालूंगी ऐसे? मैं तो खुद टूट गई। पता नहीं ज़ैन क्या सोचता होगा मेरे बारे में ऐसे। जो भी है, ज़ैन आपकी औलाद है, आप उससे एक बार बात तो करके देखें। मेरा दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। हसन, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने सबको खो दिया, आपको, बहन को, जाहिर को। बड़ी अकेली पड़ गई, पता नहीं कब और कहां गलत हो गई मैं अपने बच्चों के प्यार। मेरा कोई यकीन नहीं करेगा मैंने सब ज़ैन की खुशी के लिए किया था। प्लीज मुझे माफ कर दे हसन, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं आपने जो कुछ भी किया ज़ैन के लिए किया, लेकिन रास्ता गलत इख्तियार कर लिया। खुदा मेरा भी है। बेटा, अगर उसने कश्माला को इस्तेमाल किया है तो कोई गलत तो नहीं किया, और तुम भी कोई बच्चे तो नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया अपने होशो हवास से फैसला किया। तो क्या करूं भाभी, तोड़ दो ये रिश्ते। हमारे हाल पे रहम करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने लगे, तुम फिर आ गए उसे बेरंग करने। माँ, 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 यू ओके? माँ, भाभी, मा, 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 मा,